नवाबी फूड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं जी सूप, जो सर्दियों में बहुत पसंद किया जाता है और हर घर में बनता है। मैं आपको ये चीज़ें दिखाने लगी हूँ, इसमें जो चीज़ें डलेंगी। ये मेरे पास बोनलेस चिकन है, ये दो अंडे हैं, ये दो तीन गाजरें हैं, आप कम करना चाहते हैं कम कर लें। ये काली मिर्च है, ये बंद गोभी है, ये एक सब्ज़ प्याज है मेरे पास, और ये शिमला मिर्च है, ये नमक है, ये कॉर्नफ्लावर है मेरे पास, ये चिली सॉस है और ये सोया सॉस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें चूल्हा मैंने जला दिया है, बर्तन में मैं पानी डालने लगी हूँ। ये चार गिलास मेरे पास पानी है, ये डाल दिया है। ये यखनी के लिए मैंने डाला है पानी में। हम ये चिकन डालने लगे हैं, ये देखें चिकन डाल दिया है। इसको हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। यखनी जो है इसमें जो हमने चिकन डाला है इसके रीछे बन जाए, अच्छी तरह से गल जाए, फिर यखनी हमारी तैयार हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जितनी देर में हमारी यखनी तैयार हो रही है मैं उधर सब्जियों की कटिंग करूंगी। चिकन हमारा गल चुका है, ये देखें मैं निकाल रही हूँ, यखनी हमारी बन गई है। चिकन हमारा गल चुका था, उसके ये देखें मैंने रीछे बना लिए हैं, इसको निकाल कर रीछे बना लिए हैं, और ये चीज़ें इसमें डलेंगी। सब्जियों की मैंने कटिंग कर ली थी, ये देखें बंद गोभी, शिमला मिर्च और ये गाजर है, ऐसे आप भी कटिंग कर लें। ये थोड़ा सा सब्ज़ वो है प्याज है, आप भी ऐसे ही छोटी छोटी कटिंग कर लें। आप जो भी शेप देना चाहते हैं सब्जियों को दे सकते हैं, हमने ऐसे काटी हैं छोटी छोटी सी, खूबसूरत लगती हैं, आप भी ऐसे खूबसूरत तरीके से काटें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा मैंने जला लिया है, ये मैंने बर्तन ऊपर रख दिया है। ये देखें एक चम्मच के करीब मैं ये ऑयल डालूंगी इसमें। ये जो हमारे पास ये रेशे वाला चिकन है इसमें से स्मेल नहीं आती, अगर हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ना तो इसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी जो चिकन की आती है। बस लोग नहीं भी करते फ्राई, मैं फ्राई करने लगी हूँ, आप देखिएगा ट्राई कीजिएगा। ये चिकन डाल दिया है, आँच आप बिल्कुल आप चूल्हे की मध्यम रखें, मीडियम आँच पे इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। ये देखें मैं कर रही हूँ, और मेरी वीडियो आप पूरी देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, बहुत अच्छा लगता है। कलर देखें, जो चिकन है उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन सा लग रहा है, इसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी है। अब मैं चूल्हा बंद करूंगी और आपको दिखाती हूँ जो मैंने यखनी बनाई थी। देखें इसको शामिल कर दें इसमें, ये यखनी शामिल कर दी है। अब हम गाजर डालने लगे हैं, ये गाजर डाल दी है। अब इसमें मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ, तो देखें शिमला मिर्च डाल दी है, इसको हिला देते हैं। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, सब्जियों की कटिंग देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। आप सब जो है सर्दियों में सूप बना के बच्चों को दिया करें, खुद पिया करें, हमारे घर में तो बहुत बनता है सर्दी के मौसम में, बहुत मज़ेदार लगता है और हेल्दी होता है, ये ज़रूर बनाया करें। इसमें नमक डाल दें, मैंने आधा एक चम्मच, जब मेरी यखनी बन रही थी ना चिकन की यखनी बना रहे, तो उस वक्त मैंने आधा चम्मच डाला था, आधा अब डाल रही हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है यखनी में। अब मैं काली मिर्च डालने लगी हूँ, ये देखें काली मिर्च डाल दें, सोया सॉस डाल दें, दो दो चम्मच है, ये डाल दी है। ये दो चम्मच बड़े वाले जो हैं ये कॉर्नफ्लोर है हमारे पास, इसको मैं पानी में हल करूँगी, और ये दो अंडे जो हैं उसकी सफेदी है, ये देखें इसको मैं पानी में हल कर रही हूँ। अब ये कॉर्नफ्लोर ये देखें आस्ता आस्ता से ऐसे डालते जाएँ और इसको हिलाते जाएँ, कॉर्नफ्लोर हमने हल कर लिया है। ये देखें आपने भी ये ज़रूर डालना है, इससे हमारा जो है ना सूप ये थिक होगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और इसमें शाइन आएगी। ये देखें डाल लिया है, अब इसमें मैं अंडा डालने लगी हूँ। अंडे को आप ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डालें, ऐसे करके अंडे की सफ़ेदी सिर्फ इस्तेमाल की है, जर्दी इस्तेमाल नहीं करनी, हम सिर्फ इसकी सफ़ेदी अंडे की इसमें डाल रहे हैं सूप अपने में। ये देखें कितना प्यारा बन गया है, और अंडा जो है इसको अच्छी तरह से हमने पकाना है, इसमें कच्चा नहीं रहे। हमने सूप में ना जर्दी नहीं डाली, कुछ लोग जर्दी स्मेल डाल लेते हैं,
तो सर्दी जब हम सूप में डालते हैं ना तो उसकी बहुत स्मेल आती है, हम जो भी कर लें उसकी स्मेल नहीं ख़त्म होती, स्मेल ज़रूर आती है, इसलिए सर्दी डालने से स्मेल नहीं आएगी। सूप हमारा तैयार हो चुका है, मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। देखें इसकी कितनी प्यारी लुक आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है और फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा था आपको। सूप मैंने डिश आउट कर ली है, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है, आपने घर में इसे ज़रूर बनाना है और मुझे बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।